राधे राधे। आज हम बनाएंगे हमारे मध्य प्रदेश की सबसे फेमस चीज़, वो है टेस्टी, जो कि मार्केट में हर जगह हर दुकान पे मिल जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फेमस है ना यहाँ पे, सभी लोगों के घर में बहुत ही पसंद की जाती है, सभी लोग उसको बहुत चाव से खाते हैं इस नमकीन को। तो इसी नमकीन को आज मैं घर पर बनाऊँगी, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो मैंने इस थाली में 2 कटोरी मूँगफली ली है नाप के साथ, और ये कुछ बेसिक मसाले हैं जो हम टेस्टी के लिए तैयार करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च, चाट मसाला, कुटी हुई काली मिर्च, चाट मसाला, आमचूर, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक उसमें ऐड किया। ये मैंने काला नमक इस्तेमाल किया है, नॉर्मल वाला नहीं किया है, और काला नमक इसमें सब चीज़ों को करेंगे हम अच्छे से मिक्स। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम करेंगे इसका बेसन तैयार। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी बेसन लिया, 2 कटोरी मूँगफली है ना, तो 1 कटोरी बेसन इस्तेमाल करेंगे। और इसमें मैंने डाला थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक थोड़ा सा, क्योंकि हमने मसाला एक बना ही लिया नमक डाल के, इसमें मैंने नॉर्मल नमक डाला है। और डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर और हींग साथ में ऐड करेंगे इसमें। अब हम ऐड करेंगे इसमें 1 नींबू का रस, 1 नींबू पूरा इसमें निचोड़ दूँगी मैं, पूरा डालना है इसके, कि अगर कम नींबू निकल रहा है ना, अच्छे से रस नहीं निकल, कम से कम इसमें 2 चम्मच नींबू का रस इसमें इस्तेमाल करना है। तो इसमें हमारे 1 ही नींबू में अच्छा रस निकला है, तो मैंने इसमें 1 ही नींबू ऐड किया है, तो कम से कम 2 चम्मच नींबू का रस इस्तेमाल करना है। अब हम क्या करेंगे, सब चीज़ों को करेंगे मिक्स, और थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करेंगे, एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जिससे कि एक अच्छा सा घोल बन के तैयार हो। और ज़्यादा एक साथ डाल देंगे ना तो घोल पतला हो जाएगा ना, तो टेस्टी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए हम आज आराम से पानी इसमें डालेंगे और एक अच्छा सा घोल तैयार करेंगे। जिस तरह से हम कढ़ी की पकौड़ी बनाते हैं ना या भजिया बनाते हैं, बस वैसा ही रखना है, उससे थोड़ा सा सख्ती रहेगा, ज़्यादा गीला नहीं रहेगा। ये लीजिए, अब थोड़ा सा पानी इसमें लग रहा है कि और ऐड करना, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी और एक अच्छा सा बैटर बना के हम करेंगे तैयार। ये लीजिए, ये बैटर हमारा टेस्टी के लिए हो गया है तैयार। वही इतनी जल्दी फटाफट से बन जाती है ना, और मार्केट से लाने की आपको आवश्यकता भी नहीं है, पर जब भी बन करें फटाफट से घर पे बना लीजिए और खाइए, और हेल्दी भी रहेगी और फटाफट से घर में बन भी जाती है। अब इससे बैटर हमारा हो गया तैयार, अब हम इन मूँगफलियों को सभी को इसमें मिला देंगे। एक साथ मैं पूरी मूँगफली नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जिससे कि पूरा अच्छे से मिक्स नहीं होगा, आराम से थोड़ी थोड़ी करके मूँगफली इसमें डालें और एक पूरे बेसन में अच्छे से इसको कोट कर दें, क्योंकि अच्छे से कोट होगी ना तभी एक अच्छी सी टेस्टी बनके तैयार होगी, नहीं तो कहीं ज़्यादा बेसन हो जाएगा या कम हो जाएगा। ये लीजिए, इस तरह से हम सारी चीज़ मूँगफलियों को इसमें करेंगे मिक्स, और देखिए अच्छे से इसे मिक्स हो गया है बेसन। अब इसको थोड़ी देर रखना भी नहीं है, फटाफट से इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में तेल अच्छा सा गर्म होने के बाद ना गैस को कर दें धीमा, और इसमें इस तरह से नॉर्मल पकौड़े डालते हैं ना, उसी तरह से हम इसमें डाल देंगे। करना क्या है ना, जिस तरह से हम इसमें डाला है ना, फटाफट से इसको हमें कंछी की मदद से उल्टे या किसी डंडे की मदद से ये फटाफट से इसको घुमाना, ये काम देर ना करें, फटाफट से करें, जिससे कि ये अलग अलग हो जाए। इस तरह से हम घुमाएंगे ना, अपने आप ही सारी अलग अलग हो जाएंगी, कोई जो आपको लगेगा नहीं कि अरे कैसे निकालें इनको, जिस चिपक गई है एक भी चिपकी नहीं रहेगी आपकी, सारी अच्छे से अलग हो जाएंगी। इस तरह से चलाते रहे लगातार, और ये पूरी मूँगफली जो है ना हमारी टेस्टी बन रही है, पूरी अलग हो जाएगी। इस तरह से फटाफट से घुमाते रहें, अच्छे से इसी में ये सीख भी जाएंगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। अब ये लीजिए, ये फटाफट से बन रही हैं और ये पूरी अलग हो चुकी हैं देखिए, और ये अच्छा एक कलर ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। ये लीजिए, इतना अच्छा कलर आया ना, फटाफट से बन के तैयार भी हो गई, ज़्यादा टाइम का पता भी नहीं चला। और एक ब्राउन कलर आने के बाद क्या करेंगे, हम इसको एक झारे में हम निकाल लेंगे इस तरह से, और इसको धीमी आंच में हमेशा सेकना है, तेज़ आंच में ना सेके, नहीं तो ये करारापन उसमें नहीं रहेगा। ये लीजिए, धीमी आंच में सेके, और फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ना ही ज़्यादा कोई सामान की आवश्यकता है। और लीजिए, ये बनके हो गई तैयार। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे एक मसाला जो हमने बनाया था, मसाले को करेंगे मिक्स अच्छे से। और देखिए ये पूरी हो गई, अब याद ध्यान रखिए, जब भी आप एक बैच बनाएं ना, निकाल के तुरंत ही उसमें इस जो हमने मसाला बनाया है ना, उस मसाले को इसमें मिक्स कर दें, फिर आप बनाएं, उसके बाद उसके ऊपर से थोड़ा सा मसाला फिर से छिड़क दें, नहीं तो आप एक साथ बना के रखेंगी ना, मसाला मिलाएंगी ना, तो उतना अच्छा
टेस्ट नहीं आता। जितना आपके तैयार हो गया बैच उतने में ही मसाला आप इसमें मिला दें। और देखिए हमारी बनके हो गई टेस्टी तैयार, फटाफट से बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और आप इसको आराम से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते, कोई ख़राब नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।